इनके बीच का सेपरेशन जो है वो d के बराबर है और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट पे हम एक दूसरा चार्ज तीसरा चार्ज रख देते हैं जिसका चार्ज q है मास m है मिड पॉइंट पे तो ये d बाई टू और d बाई टू डिस्टेंसेस हो जाएंगी दो चार्जेस के बीच अब क्या कह रहे हैं इफ इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स perpendicular to AB, what would be the electric force experienced by it? Experienced by it. आपको ये दिया है जो तीसरा चार्ज है उसका साइन आपको बताया है क्या पार्टिकल है चार्ज क्यू इस कैप्टन नहीं बताया है. तो ये जो चार्ज है इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस हम कर देते हैं लेट्स से x अमाउंट से इसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है इस चार्ज को तो हमें बताना है कि इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे

प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटू कॉस कॉस्टा इस ट्राइंगल से आप निकाल सकते हैं cos X so अब ये ये भी हमने लिया होता तो फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो बदल जाती लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही रहता तो मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज का नेचर कैसा है ठीक है इस चार्ज का नेचर कैसा है उस पे मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा बस डायरेक्शन बदल जाएगी अब इसके बाद बी पार्ट में पूछा है इन्होंने अज्यूमिंग एक्स इज मच मच लेस देन डी शो दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स तो बी पार्ट में आपसे कहा गया है कि यदि एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है कंपेयर टू डी सो बी पार्ट में यहां लिख देता हूं मैं इट्स एक्स इज मच मच लेस देन तो इस बात का मतलब यह है कि यदि जहां पे डी लिखा है और डी के साथ एक्स लिखा है तो हम एक्स को इग्नोर कर सकते हैं यदि एक्स अकेला है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते लेकिन एक्स यदि डी के साथ लिखा है तो डी के कम्पेरिजन में उसे इग्नोर किया जा सकता है तो यहां देखिए बेटा ये डी स्क्वायर बाय फोर है और ये एक्स स्क्वायर है तो मैं यहां पे एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा डी स्क्वायर बाय फोर प्लस एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज सिंपली डी स्क्वायर बाय फोर बिकॉज ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो आपको ये रिलेशन मिलेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू टू टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय टू स्क्वायर का क्यू थ्री बाय टू तो आपको मिल जाएगा आंसर ये मिलेगा दो आठ सिक्सटीन सिक्सटीन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स अपॉन डी क्यू ठीक है आप चाहें तो इसे ओपन करके लिख सकते हैं के को लिख सकते हैं फोर पाई इन्होंने सी पार्ट में कहा है अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाता है डिस्टर्ब किया जाता है तो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्सेज लगते हैं और रिस्टोरिंग फोर्सेज है वो मेन पोजिशन की तरफ चलते है, लगते हैं यानी जहां पे इक्विब्रियम पोजिशन से उसको डिस्प्लेस किया था

तो डिस्प्लेस करने पर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स एक तो मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए और ये फोर्स जो है उस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए तो हम कह सकते हैं कि वो जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है अब यहां देखिए हमने यदि पॉजिटिव चार्ज इसको माना था तो पॉजिटिव चार्ज हमने माना था ये इसका मेन पोजीशन था बिकॉज यहां पे लगने वाले फोर्सेस जो थे बराबर थे जितना फोर्स इस ये वाला चार्ज इसके ऊपर लगा रहा था उतना ही फोर्स इसकी वजह से इस पर लग रहा था इस तरफ तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टर्ब करने से फोर्स जो है अभी जैसा हमने मान के चला था लेकिन यदिटिव बना दिया जाए इस चार्ज को कर दिया जाता है। तो क्या कर दें तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ और इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में एफ और इन दोनों एफ का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ लगेगा एफ रिजल्टेंट टू एफ कौन सी तो मैं तब कह सकता हूं कि यदि तो फोर्स इसके ऊपर जो है वो मीन पोजिशन की तरफ लग रहे हैं और एक्स लेस लेस देन डी है तो फोर्स एक्स के प्रपोर्शनल भी आ रहा है फोर्स एक्स के प्रपोर्शनल भी आ रहा है तो दो कंडीशन क्या क्या है फोर्स लिखना है थर्ड तो चार्ज पहली कंडीशन यह है कि थर्ड चार्ज शुड बी नेगेटिव शुड बी नेगेटिव पहली कंडीशन यह है एंड दूसरी कंडीशन यह है कि x की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत छोटी होनी चाहिए x मस्ट बी लेस लेस देन d तो क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है नेट रीस्टोरिंग फोर्स ऑन दैट पार्टिकल अपॉन डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इक्वल टू 4 k q q x डिवाइडेड बाय π ε नॉट d q π ε 0 d q तो ये जो फोर्स है ये इसके x के प्रोपोर्शनल आ गया है तो ये क्या होगा आपके पास ये k हो गया आपके पास फोर्स इज इक्वल टू के एक्स और इस ऐसे केस में जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टाइम पीरियड टी इज इक्स टू टू द प्रशनलिटी कॉन्स्टेंट ऑफ दिस इक्वेशन तो आपको मिल जाएगा t इज इक्व टू टू पाए अंडर रूट ऑफ एम मासना है पार्टिकल का m डिवाइडेड k. K बाई है फोर के हट जाएगा दोबारा के क्यों के फोर कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और यहां मिल जाएगा नॉट डी क्यू तो ये आपको आंसर मिल जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ठीक है अब चला जाए अगले सवाल की तरफ अगले सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम विद पार्टिकल सी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अलोंग द लाइन ए बी अब हमने उसको ए बी के परपेंडिकुलर नहीं अब हमने उसे ए बी के अलोंग

तो यदि मैं इस पार्टिकल पर फोर्स निकालना चाहता हूँ तो देखिए कितना आएगा मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहा हूं तो इसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से मैं लिख सकता हूं कि नेट फोर्स जो इस चार्ज पार्टिकल पर लगेंगे क्यू डिड बाय डी बाय टू माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस ऑफ के क्यू स्मॉल क्यू

ये नेट फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कम है तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा एफ टू से ठीक है तो इसलिए नेट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में होगा बिकॉज लेफ्ट वाला फोर्स ज्यादा है राइट right वाला फोर्स कम है बिकॉज यहां से यहां का सेपरेशन कम है तो फोर्स कम लगा रहा है यहां का सेपरेशन इसके साथ कम है तो फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए के क्यू क्यू और ये आपको मिलेगा वन अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस वन अपॉन आर प्लस एक्स का स्क्वायर तो यहां से एलसीएम ले लीजिए आप आर माइनस एक्स आर प्लस एक्स और आर माइनस एक्स और आर प्लस एक्स ठीक ले सकता हूं और इसको इसको डिवाइड करेंगे इससे डिवाइड करेंगे इस पूरे एलसीएम को तो आपको मिलने वाला है आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स पे और यहां पे माइनस okay, लगा दो पहले इसका करेंगे ना सो आर माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो आप लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू आर एक्स ठीक बच्चा कुछा मैंने माइनस लगा के यहां रख दिया है ठीक है

अब यहां जो आर की जो वैल्यू है आप इसे रख सकते हैं आर की वैल्यू डी बाई टू है आर की वैल्यू डी बाई टू तो आपको मिलेगा फोर और के आर की वैल्यू डी बाई टू डी बाई टू और यहां मिलेगा आपको डी स्क्वायर बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर तो ये नेट फोर्स आपको मिल जाता है ठीक है So, एक दो से एक दो हटा दीजिए और आपको मिल जाएगा इसको बनप ऑन फोर पाए नॉट रख दीजिए फोर पाए से एक दो और चला जाएगा सो so, इट आपको मिल जाता है नेट फोर्स ऑन पार्टिकल तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं यदि एक्स की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाए x इज मच मच लेस देन d तो so, देखिए फोर्स क्या बन जाएगा आपके पास फोर्स बन जाएगा आपके पास q q d x डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन 0 2 पाई एप्सिलॉन 0 ये वाली जो क्वांटिटी इसको नेगलेक्ट कर सकता हूं इसकी कंपैरिजन में सो so, d स्क्वायर बाय 4 नीचे आपको मिलने वाला है तो so, d स्क्वायर बाय 4 चाहे स्क्वायर है नीचे दो

अब यहां देख सकते हैं कि ये फोर्स क्लियरली एक्स के प्रपोर्शन आ रहा है एक्स के प्रपोर्शन आ रहा है अब आपसे इसका लास्ट पार्ट पूछा जाएगा कि यदि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो फोर्स है वो एक्स के प्रपोर्शन होना चाहिए दैट मीन्स एक्स शुड बी लेस लेस देन डी और दूसरी बात यह है कि जो डायरेक्शन है फोर्स की वो होनी चाहिए मीन पोजीशन की तरफ

वो की तरफ रहा ही नहीं तो वो कंडीशन नहीं होगी तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा कि जो than, uh, जो है, है, तब ऐसा होगा, की वो less less than D होनी चाहिए, और यदि हम टाइम पीरियड की बात करें टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं देखिए बेटा uh, ये जो एक्स के साथ लिखा है ये k लिखा है दिस इज वैल्यू ऑफ के तो टू पाई अंडर रूट एम बाई के मैं लिख सकता हूँ इट विल बी टू बात है आपके पास q, q, और मिल जाएगा आपको so अब इन दोनों में फर्क देखें यहाँ पे एम पाई एफ डी क्यू बाय क्यू क्यू और यहाँ क्या था हमारे पास एम पाएस फोर क्यू क्यू तो यहाँ पे नीचे एट आ रहा है वहां पे फोर आ रहा है बस इतना ही अंतर है

मिल जाएगा आपको पंद्रह सौ न्यूटन पर कुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है उस पॉइंट पर उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको कि दो पार्टिकल्स हैं ए और बी जिनके चार्जेस हैं दिस एंड दिस और उनको फिक्स रखा गया है एट अ सेपरेशन ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर लोकेट द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो वाले पॉइंट्स आपको यहाँ पे तलाशने हैं कौन कौन से होंगे तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ कि यहाँ पे टू माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे माइनस ऑफ फोर माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है इनके बीच का सेपरेशन जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर के बराबर है मैं आपको बताया था कि जब आपके पास ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हों तो जो सबसे छोटा चार्ज है मैग्नीट्यूड में उसके पास में होता है आपका जो नल पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है उसके पास में मतलब बीच में नहीं इस तरफ तो मैंने मान लिया कि यहां पे एक्स डिस्टेंस पर ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं मान लेता हूं ईवन के बराबर होगा और इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से होगा ई के बराबर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है इसका मतलब ईवन और ए मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए सो ईवन इज इक्वल टू ई टू कर देता हूं So आपको मिल जाएगा के इंटू टू डिड बाई एक्स का स्क्वाज इक्वल टू इसकी वजह से के तो से के k से k गया दो से गया दो बार और दोनों तरफ स्क्वायर रूट यदि आप ले लेते हैं तो आपको मिलेगा वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू अपॉन ट्वेंटी प्लस एक्स यह आ जाएगा आपके पास ट्वेंटी प्लस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू एक्स और आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ टू माइनस वन इन टू एक्सल टू ट्वेंटी एक्स की वैल्यू आपको, आपको यहाँ पे पता चल गई ठीक अब इसके बाद चलते हैं एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहां पे पोटेंशियल जीरो के बराबर है ढूंढ दूड़, ढूंढते हैं देखिए आपके पास यहाँ पे टू माइक्रोकुलम है और यहाँ पे है माइनस ऑफ फोर माइक्रोकुलम और मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस यहाँ से एक्स के बराबर है ये डिस्टेंस हो जाएगी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ से पे पोटेंशियल पोटेंशियल की वजह से यहां का दोनों का दोनों जो है जीरो के बराबर आपको कर देना है तो तो आ जाएगा से तो से आपको आउट K K हो गया दो, से दो चला गया तो आपको मिलेगा, 1 ट्वेंटी माइनस एक्स थ्री एक्स इज इक्व टू ट्वेंटी आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्व टू ट्वेंटी बाई थ्री ट्वेंटी बाई थ्री यानी कि पोटेंशियल जो है जीरो के बराबर होगा पोटेंशियल जो है जीरो के बराबर होगा एक पॉइंट हमें यहां पे मिल चुका है अब और ऐसे पॉइंट हो सकते हैं क्या और ऐसे पॉइंट हो सकते हैं क्या तो चेक करते हैं यहां पे तो यहाँ पे एक और पॉइंट मान लेता हूं मैं एक्स डिस्टेंस पे वाई डिस्टेंस पे मान लेता हूं तो दूसरी पॉसिबिलिटी सोची है कि यहां पे कोई हो तो नहीं सकता है तो आपको ये मिल जाएगा के से के कैंसिल आउट हुआ दो से दो चला गया यहाँ पे वन अपॉन वाई इज इक्वल टू टू अपॉन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस वाई इज इक्वल टू टू वाई आपको मिल गया और आपको वाई की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और मिल जाती है यानी यहां से 20 सेंटीमीटर और दूर एक ऐसा पॉइंट और होगा जहां पे पोटेंशियल जीरो के बराबर आपको मिल जाता है ठीक है